टीवी के माध्यम से आप सब देख ही रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल भाग गए हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू फेस द ट्रूथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। कमिटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी? सीना ठोक के जाते, ईडी के सामने बैठते, प्रश्नों का उत्तर देते और मुस्कुराते हुए, ड्रामा करते हुए बाहर चले आते जैसा वो अक्सर करते हैं। मगर आज वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको हकीकत पता है। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है। और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। दिस इज शेमलेसनेस, रनिंग अवे फ्रॉम द एजेंसीज हु आर प्रोबिंग द ट्रुथ इज शेमलेसनेस। आप सभी जानते हैं कि ईडी समन कोई रैंडमली नहीं भेजती है कि आपके घर समन भेज दिया, उनके घर समन भेज दिया। किसी भी संबंध में ईडी अगर समन भेजती है तो वो तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, उसके आधार पर ईडी समन भेजती है। और हमें पक्का विश्वास है कि ईडी ने या कोई भी जांच एजेंसी जिसने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, आधारों के बलबूते पर ही समन भेजा गया होगा। बहरहाल हम ये विश्वास रखते हैं, मीडिया में भी हमने देखा है कि ईडी भी शायद जवाब देगी। मगर यह विषय गंभीर है, जनता के प्रांगण में। दिस इज अ पब्लिक इश्यू एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई भारतीय जनता पार्टी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, शुड ऑल्सो रिप्लाई टू दिस। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, सीबीआई पर नहीं है, ईडी पर नहीं है, अपने लोगों पर नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम पर नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। चलो किसी पर विश्वास नहीं है, कोर्ट पर तो है। चलो लोअर कोर्ट पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास है। अभी तीन दिन पहले मनीष सिसोदिया के बेल पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी का प्रयोग अरविंद केजरीवाल के मंत्री के खिलाफ, पूर्व मंत्री के खिलाफ किया है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल तो स्थापित होता है। ये जो लिकर स्कैम है, जो शराब घोटाला है, ये शराब घोटाला कोई 400-500 करोड़ का नहीं है, ये कई हजार करोड़ों का घोटाला है। परत दर परत खुलासा हो रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा जाता है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का ट्रेल स्थापित होता है, तो आप सोचिए, जब टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ही इतना बड़ा है, तो पूरा ये लिकर स्कैम कितना बड़ा होगा। और इसमें अरविंद केजरीवाल जी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये आप डिसाइड करिए, आप मतलब जनता डिसाइड करिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये वही अरविंद केजरीवाल बगल में फाइल दबा करके, ये रोज 4 बजे जब राजनीतिक पार्टी नहीं थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप ही लोग बैठे होते थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे आज मैं शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं सोनिया जी के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खुलासा करूंगा, मेरे पास ठोस सबूत है। और जब 5 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी तो अरविंद केजरीवाल कहते थे खुला दरवाजा है मेरा, खुला दरबार है मेरा, मैं चैलेंज करता हूं लालू प्रसाद यादव से, मैं चैलेंज करता हूं रॉबर्ट वाड्रा से कि वो आए मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तभी मैं इन्हें क्लीन चिट दूंगा।
ये अलग बात है। अभी गलबैये कर रहे हैं इनके साथ घमंडिया अलायंस बनाया हुआ है, मगर ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेटमेंट है। वह अरविंद केजरीवाल जी आप चंद कागजों पर सवाल लिख के लाते थे, उन सवालों के जवाब आप उस समय विपक्ष के और सत्ता की नेताओं से मांगते थे, वो तो ठीक था। आज देश की संवैधानिक जांच एजेंसी आपको सवाल के कटघरे में जब खड़ा कर रही है तो आप भाग गए, आप प्रस्तुत नहीं होना चाहते। आपने अपने चिट्ठी में क्या लिखा है, चिट्ठी भी लेकर आया हूं, आपने अपने चिट्ठी में लिखा है मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है, एक इंडिविजुअल के हैसियत से या ऑफिशियल कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली या नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है। अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं, तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप जो जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से आपको बुलाया गया है, एज द ओशन ऑफ करप्शन, एज द सोर्स ऑफ करप्शन, फ्रॉम वेयर करप्शन इमर्जेस इन दिल्ली, जहां से करप्शन जन्म लेती है उसके बाद मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचती है, जहां से उद्भव होता है करप्शन का और उसके बाद वो पहुंचती है सत्येंद्र जैन के पास, जहां से करप्शन आरंभ होता है और उसके बाद वो पहुंचती है संजय सिंह के द्वारे, उस सोर्स के रूप में आपको बुलाया गया है, एज दैट सागर, गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है। और ये क्या वीआईपी सिंड्रोम है, मुझे क्यों बुलाया गया है, क्यों? आप क्या कानून से बड़े हैं? आप दिल्ली के सीएम हैं क्या? आप भगवान हैं? वैसे तो आपने कोई कसर कोर कसर नहीं छोड़ी थी अपने आप को श्री कृष्ण इत्यादि बताने में, मगर क्या आप भगवान हैं जो आपको कोई एजेंसी नहीं बुला सकती है? और तो और मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो आपके डायलॉग्स होते थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले डायलॉग, डबल एक्सएल शर्ट पहन करके आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि ये मुझे पता है अब ये मनीष सिसोदिया को भी बुलाएंगे, मुझे पता है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, मुझे पता है संजय सिंह कट्टर ईमानदार है। अरे आपको तो पता था कि ये सारे कट्टर ईमानदार थे, मगर इनमें से किसी को अभी तक बेल क्यों नहीं मिल रही है? 10 महीने हो गए अरविंद जी, 10 महीने हो गए मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लगभग 6 बार सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुके हैं बेल एप्लीकेशन लेकर, और क्या कहा न्यायालय ने? न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 करोड़ इज टेंटेटिवली एस्टेब्लिश्ड, वी हैव देयरफॉर डिसमिस्ड द एप्लीकेशन फॉर बेल। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को लेकर, क्यों? इतने कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल जी आपके अनुसार, तो बेल रिजेक्ट क्यों हुआ? आप संजय सिंह जी के लिए कह रहे थे ये बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, इनको फंसाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। कोर्ट ने क्या कहा? राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो कहा है मैं कहता हूं, इन प्राइमा फेसी व्यू ऑफ दिस कोर्ट द फैक्ट स्टेटेड इन मटेरियल प्लेस बिफोर द कोर्ट नो वेयर शो और सजेस्ट दैट हिज अरेस्ट इन द प्रेजेंट केस इज अनवॉरेंटेड और अनरीजनेबल एज एलिगेशन हैव बीन मेड अगेंस्ट हिम और हिज बींग डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ऑफ द प्रेजेंट केस। ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई जो एलिगेशन लगाते थे आप कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं है। मटेरियल जो रखा गया है कोर्ट के सामने वो दिखाती है कि ये अनरीजनेबल नहीं है ये अरेस्ट, बड़े स्पष्ट रूप से। फिर आप कहते हैं कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं। इतना नहीं, अरविंद केजरीवाल जी आपने अपने चिट्ठी में लिखा है कि ये मनोज तिवारी जी, इनको कैसे मालूम पड़ गया कि मुझे समन होगा और मुझे अरेस्ट किया जाएगा। ये अरविंद जी, ये मनीष सिसोदिया जी को जब ईडी ने बुलाया था और जब संजय सिंह को ईडी ने बुलाया था तो आप अपना भाषण खुद निकालिए, आपने खुद अपने भाषण में कहा था मुझे मालूम है ये मनीष सिसोदिया जी को छोड़ने वाले नहीं है, मनीष सिसोदिया जी को ईडी बुलाने वाली है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी करने वाली है। ये एक बार नहीं दसियों बार आपने कहा था,
दो बार कहने के बाद जब ईडी ने समन नहीं किया, दो बार कहने के बाद भी जब ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया, तो आपने कहा लगता है डेट बदल गया है, मगर होने वाला है, होने वाला है। संजय सिंह के समय भी आपने कहा था मुझे मालूम है, ये संजय सिंह जी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, संजय सिंह के घर भी ईडी जाएगी, छापा होगा, गिरफ्तारी होगी। क्यों? आपने ईडी को कहा था क्या कि संजय सिंह जी को और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो? आपने जो लॉजिक दिया है कि मनोज तिवारी जी के कहने पर ईडी ने ऐसा काम किया है, ठीक उसी लॉजिक से अगर हम सवाल पूछ दें कि जब आप कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, तो क्या आपने ईडी को कहा था जाओ जरा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो? वैसे हो भी सकता है। मैं कोर्ट का कुछ स्टेटमेंट लेके आया हूं, सुप्रीम कोर्ट का। परसों जब रिजेक्ट हुआ मनीष सिसोदिया जी का बेल, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन फॉर बेल ऑफ मनीष सिसोदिया, बट वी हैव मेड वन पॉइंटेड ऑब्जर्वेशन विच इज दैट दे हैव अश्योर्ड, दे मतलब ईडी, दैट दे हैव अश्योर्ड दैट द ट्रायल विल बी कंक्लूडेड विद इन 6 to 8 months. So within 3 months, if the trial proceeds sloppily or slowly, he will be entitled to file an application for bail. Supreme Court ने कहा कि हमें ईडी ने कहा है कि 6 से 8 महीने के अंदर त्वरित गतिविधि करते हुए ये जो शराब घोटाले की जांच चल रही है उसे पूरा कर दिया जाएगा, और हमें भी विश्वास है पूरा कर दिया जाएगा। अगर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चले, ईडी अपनी पूछताछ में लचर रवैया अपना ले, ईडी अपने काम को धीरे धीरे या स्लोपीली करे, तो फिर आप कोर्ट में आकर एक केस करना। ईडी ने तो जल्दी जल्दी आपको जांच के लिए बुलाया। ईडी चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल बतौर इस पूरे केस से जुड़े होने के नाते यथाशीघ्र पूछताछ में आए, तथ्यों को सामने रखे, ताकि 6 से 8 महीने के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। मगर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और क्या कारण है अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये केस जल्दी समाप्त हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे? क्या मनीष सिसोदिया जी बेल में बाहर आए? क्या मनीष सिसोदिया जी अंदर ही रहे? क्या चाहते क्या है आखिर ये आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी? मुझे तो आश्चर्य होता है, उन्होंने अपने पैराग्राफ में ये भी लिखा है चिट्ठी में कि दिवाली आ रही है इसलिए मुझे छूट दे दी जाए, क्योंकि मैं गवर्नेंस में भी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर भी हूं, 2 हफ्ते के अंदर दिवाली आ रही है। वाह, आज दिवाली आ रही है तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, उसके बाद क्रिसमस होगी 25 तारीख को तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, फिर 31 तारीख को तो आपको न्यू ईयर मनाना ही होगा तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, फिर संक्रांति भी